नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप जानते हैं। प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं, तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। अब हम बात करने वाले हैं 4 नवंबर 2019 के उपाय की। 4 नवंबर 2019 को क्या उपाय करना है, इसको आपको समझना है और फिर करना है। आप जानते हैं प्रतिदिन एक उपाय मैं बताता हूँ। ये उपाय गोचर नक्षत्र और राशियों को देखकर बनाए गए होते हैं, जो आपको बहुत अधिक लाभ दे सकते हैं। बहुत अधिक लोगों के मैसेज आते हैं कि उनको बहुत अधिक लाभ हो रहा है, और बहुत सारे सवाल भी किए जाते हैं कि क्या ये उपाय सूर्य डूबने के बाद किए जा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि सूर्य डूबने के बाद कोई उपाय नहीं करना है। सूर्य डूबने के बाद यदि आप दान पुण्य करते हैं तो वह आपका धर्मार्थ कर्मार्थ सुधारते हैं, परंतु ग्रहों पर असर नहीं डालते हैं। परंतु सूर्य डूबने से पहले यदि आप दान पुण्य करते हैं तो उससे आपका परमार्थ भी सुधरता है और ग्रह भी सुधरते हैं। इसलिए सूर्य की हाजिरी में ही दान पुण्य करने से ग्रहों पर असर पड़ता है। तो आज हम सोमवार का उपाय आपको बताने वाले हैं। तो आपने आज बहुत ही साधारण उपाय करना है जो आप पहले कर चुके हैं, परंतु ये बहुत ही प्रभावशाली है आज के लिए। चीनी चावल और दूध ये तीन वस्तुएं आज आप दान करेंगे। मात्रा जितनी आपका दिल हो उतनी, किसी धर्म स्थान में दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं और जल प्रवाह भी कर सकते हैं। तो ये तीन प्रकार से आज का उपाय आप किसी भी प्रकार से कीजिए, आपको पूर्ण लाभ देगा। आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि दिल से श्रद्धा से उपाय किया कीजिए। मैंने एक वीडियो डाली है अभी जादू टोने के ऊपर, कि यदि आपको लगता है आपके निवास पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, तो मैंने 5 सिम्टम्स बताए हैं, 5 लक्षण बताए हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि जादू टोना है या नहीं है। दीपावली पर जो हमने माँ लक्ष्मी की मूर्ति और जो हमने यंत्र बनाए हैं वो कुछ पड़े हैं, यदि आपने लेने हो किसी ने तो वो ले सकते हैं, यानी अभी वो कुछ पीसेस पड़े हैं हमारे पास, आप ले सकते हैं।